A very critical and important topic for today's discussion that is political participation that all parties expect some public involvement in the political process like in every democracy however expects more active involvement than a non democratic order because there are different forms of action vary in their political implications and in the factors that

क्योंकि कोई भी जमहूरी निज़ाम ख़ुद को जमहूरी होने का क्लेम तब तक नहीं दे सकता जब तक लोगों की पार्टिसपेशन उसमें ज़्यादा ना हो लेकिन अब कौन से ऐसे अमल हैं कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिसका पॉलिटिकल सिस्टम uh, के साथ अगर उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी तो उसके इम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी या इम्प्लिकेशन कम होंगी तो हमें आज इस बात को सीखना है बिकॉज वेदर द लेवल ऑफ़ पोलिटिकल पार्टिसन इज़ सिस्टमेटिकली चेंजिंग इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर तो पोलिटिकल पार्टिसपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है अब पोलिटिकल पार्टिसपेशन सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन वाले दिन जाकर कर आपने वोट कास्ट कर दिया सिस्टम के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सिस्टम की पॉलिस के ख़िलाफ़ वन पीपल एक्ट और रिएक्ट यहाँ दो चीज़ें समझिए वन पीपल एक्ट और पीपल रिएक्ट यानि जमहूरी निज़ामों के अंदर भी लोगों की शराकत का मतलब महज वोट देना नहीं है पीपल कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द पॉलिस बाय द सिस्टम बाय द गवर्नमेंट ठीक है अब वो आवाज़ उठाने का तरीका क्या है दैट दैट कैन बी पीसफुल प्रोटेस्ट दैट कैन बी अ रेजोल्यूशन लोग इकट्ठे हुए उन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशन पास कर दी उन्होंने अपना एहतजाज किसी पुरान तरीके से अपने किसी नुमाइंदे को पहुंचा दिया नुमाइंदे के ज़रिए कोई सवालात उठा लिए गए तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए जिनको अपनाकर कर लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं सो अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस दैट न्यू फॉर्म ऑफ सिविक एंड पोलिटिकल एक्शंस आर काउंटर बैलेंसिंग द डिक्लाइन ऑफ इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन एंड अदर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सिविक एंगेजमेंट अब ये तरीके क्या इनका असर क्या हो सकता है कि लोगों का सिर्फ वोट देना तो एक तरीक़ा था अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स आ रही हैं जो आज के पढ़े लिखे शहरीों को जिनके अंदर सिविक सेंस है वो अपने पार्टिसिपेशन का इजहार करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं आज जमहूरी हुकूमतों के लिए लोगों ने बहुत सारे तरीके अख्तियार किए हैं जमहूरी हुकूमतें ख़ुद अपने लोगों की इस हवाले से ट्रेनिंग भी करती हैं आप किसी तहरीर के ज़रिए किसी तकरीर के जरिए किसी पुरान एहत के ज़रिए किसी ऐसी कार्रवाई का हिस्सा बनकर जो निज़ाम को जो हकूमत को जो मुआरे के लिए नुकसानदेह ना हो यानी कोई ऐसा एहतजाज का तरीका जिससे नुकसान का इस्तेमाल हो मैं उसके हवाले से बात नहीं कर रही लेकिन उसके अलावा आप अपनी तहरीर अपनी तकरीर अपने जलसे अपने जुलूस के ज़रिए सियासी शराकत का मौका मौका जो है वो हासिल कर सकते हैं और ये हर निज़ाम के अंदर मुमकिन है लेकिन जमहूरी नज़ामों की तो ये खूबसूरती है कि वो अपने अफराद को ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मुहैया करती है जहाँ वो अपने वोट एलेक्शन के ज़रिए और उसके अलावा मुख्तलिफ़ फॉर्म ऑफ पार्टिसपेशन के साथ अपने निज़ाम तक अपने जज्बा अपने अहसास को कम्यूनिकेट कर सकते हैं तो द एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ़ एक्शन ऑल्सो में रेस पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि इफ़ वी यूज़ द मेथड्स इन अगेटिव वे मैंने पहले कहा कि एहतजाज हो सकता है लेकिन अगर एहत अपनी लिमिट से क्रॉस कर जाए उसमें नुकसान पहुंचने का या पहुंचाए जाने का इस्तेमाल हो या तकरीर का ऐसा इस्तेमाल हो जो मुल्क मफादात के ख़िलाफ़ हो तो वो भी जाहिर नुकसानदेह है सो इट मीनस डेट पोलिटिकल पार्टिसपेशन कैन भी एक्सप्रेस बाई यूजिंग वेरियस मैथड्स बट एवरी सिटीजन मस्ट कीप इन माइंड The boundaries, the limitations defined accordingly by the national interest of the state and system.